मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्य के किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। केंद्र की योजनाओं के साथ साथ शिवराज सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक साथ किसानों के 49 लाख दावों का डिजिटल भुगतान कर मध्य प्रदेश ने देश में ऐसा पहला राज्य होने का रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम में खरीफ 2020 और रवि 2020-21 के लिए कुल 7,618 करोड़ रुपए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। गांव अच्छी दिशा में आगे बढ़े। बैतूल में हुए एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने फसलें खराब होने पर अलग से बड़ी राशि किसानों को देने की जानकारी भी दी। आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनसे पहले की सरकारों ने किसान बीमा का प्रीमियम नहीं भरा, इसलिए किसानों को भुगतान भी नहीं होता था, लेकिन उनकी सरकार ने किसानों का पूरा ध्यान रखा। अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में बताया कि उनकी सरकार किसानों को बैंकों से ब्याज मुक्त लोन दिला रही है, जिसका ब्याज सरकार भरती है। 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है 0% ब्याज पर किसानों को। अब किसानों को 0% पर कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामूली को भरना पड़ता है। इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया
हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ये भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हॉर्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है, तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से किसानों के खातों में हर साल 4,000 रुपए अलग से डाल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कभी कांग्रेस से किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि शिवराज चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए, तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे, 4,000 हम डाल रहे, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल खराब होने पर पिछले 22 महीने में राज्य सरकार ने 2,867 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों को दी। सहकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि दी गई। खरीफ 19-20 के लिए 2,88,000 से ज्यादा किसानों को 193 करोड़ रुपए फसल बीमा के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपए दिए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत बैंकों ने 10,583 करोड़ रुपए का लोन दिया। गेहूं, धान, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द की खरीद पर किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए डाले गए। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपए हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को धान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से सोलर पंप योजना के जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1,583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फसलों के उपार्जन पर, मतलब खरीदी पर, किसान के खाते में 75,000 करोड़ रुपया डाले गए। 75,000 करोड़ रुपया 22 महीने का हिसाब है। अगर ये सब जोड़ लें तो 1,64,737 करोड़ रुपया 22 महीना में किसान के खातों में गया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किए गए कामों का ब्यौरा विस्तार से दिया। उन्होंने बताया
कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना 44,000 करोड़ रुपए की कैन और बेतवा, बुंदेलखंड के किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे, कैन और बेतवा की परियोजना स्वीकृत की। ये नदी जोड़ परियोजनाएं कैन और बेतवा जुड़ेगी तो मेरे भाई और बहनों, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, वहां के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। 8,00,000 हेक्टेयर जमीन में अकेले मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी। केवल कैन और बेतवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में अलग अलग सिंचाई की योजनाएं बनाई है। 2024 तक नर्मदा जी के पूरे जल का उपयोग हमें करना है और इसलिए हम दिनों रात प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कसर ना छोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिनों खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द ही किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। पिछले दिनों ओले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, वैसे इस बार भगवान की कृपा बनी रहे, फसलें अच्छी है। अधिकांश गेहूं भी बढ़िया है, चना भी अच्छा है, मसूर भी अच्छी है, ये फसलें लहलहाती रहे और कभी राहत की राशि देने का कोई मौका ना आए। लेकिन पिछले दिनों जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, किसान भाइयों बहुत जल्दी राहत की राशि सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में डालने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवा किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील भी की। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया। हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, किसान बेटे बेटी आगे आ सकते हैं, इसमें भी अपनी आजीविका खोल सकते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। किसी को गोडाउन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा और काम करना है तो किसान बेटे बेटियों आगे आओ। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार उस पर लगी है पूरी तरह से। हम वहां से भी लोन और सब्सिडी लेके खेती के क्षेत्र में अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान सूरत से बिजली बनाएंगे जो राज्य सरकार खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान ने सभी गांवों में गौरव दिवस मनाने की अपील की और बताया कि गांव के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। गांव की हालत सुधारने के लिए वहां घर घर नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। वंचितों को पक्के आवास दिए जा रहे हैं। उन्हें ग्रामीण महिलाओं की आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीने तक करने की प्रतिबद्धता दोहराई। रोजगार के साधन गाँव में चाहिए। मेरी बहने बैठी है, उनमें से कई स्व सहायता समूह की बहने, अभी कई बहनों के उत्पाद में देख क्या रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर रही है। बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में आजीविका के नित नए साधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बड़ी पापड़ अचार, हर महीने मेरी बहनों आपके स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में हम पैसा डालते हैं, हर महीने अलग अलग स्वास्थ्य सहायता समूह के। और इस साल हमने फैसला किया है 2,500 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से बहनों को दिया जाएगा। और मेरा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पंजाब को पछाड़कर मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के उत्पाद खरीद रही है, रोजगार बढ़ाने पर भी उनकी सरकार का ध्यान है। एक नहीं, अनेकों अभिनव योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सरकार की प्राथमिकता है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है, एक तरफ सरकारी भर्तियों में प्रतिबंध समाप्त करके जितनी संभव है शासकीय नौकरियां हम निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हर महीने कम से कम 2,00,000 लोगों को स्वरोजगार से लगाने के लिए अलग अलग योजनाओं से पैसा दिलवा रहे हैं। 25 फरवरी को फिर
फिर से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ऋण वितरण का कार्यक्रम होगा। हर महीने कम से कम 2 लाख, पिछली बार 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार दिया था हमने, अगले महीने 2 लाख से ज्यादा देंगे, उसके अगले महीने भी, चिंता मत करना, रोटी और रोजगार चाहिए, उसमें भी ये सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, गांव में पढ़ाई की सरकारी सुविधाएं निजी स्कूलों से भी बेहतर होंगी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। सीएम राज स्कूल अब खोले जा रहे हैं, धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चुन्ना जुम्मन, उसके बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ना चाहिए। ये सीएम राज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर होंगे, ये सोच लेना। एक स्कूल के भवन में 16 से लेकर 28-26 करोड़ रुपया तक हम खर्चा करेंगे, अच्छे भवन होंगे, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा, इस सारे काम और कर रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी कई बार हमारे बच्चों की प्रतिभा को कुंठित कर देती है और अंग्रेजी ढंग से नहीं जानने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई भी एक मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। मैं केवल इस अवसर पर इतनी अपील करना चाहता हूँ कि मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात एक करके आपके साथ काम करेंगे, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने गांव बदलने के लिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए, हम सब मिलके ही ये काम कर सकते हैं, आपका साथ चाहिए ताकि अपना गांव बदल जाए। बैतूल में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि सरकार के प्रयासों से बेटियों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है, लिंगानुपात सुधर रहा है। बेटी आए अगर गांव में, आए मतलब बेटी जन्म ले, तो गांव वालों को उस दिन खुशी और उत्सव मनाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि आज गांव में एक बेटी का जन्म हुआ है, स्वागतम लक्ष्मी, आओ बेटा और बेटी बराबर मानो। लाली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार कर दिया, मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और अब लाडली लक्ष्मी 2 योजना भी आ रही है जिसमें बेटियों के उच्च शिक्षा का इंतजाम भी करेंगे, लेकिन इसके कारण पहले 1,000 बेटों पर 914 बेटियां पैदा होती थी, अब 1,000 बेटों पर 956 बेटियां पैदा हो रही है, बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मध्य प्रदेश को देश का सबसे खुशहाल राज्य बनाना चाहते हैं। ये फसल बीमा योजना की सौगात तो आपको दी है, आइए अपने गांव को बनाने का, अपने नगर को बनाने का हम संकल्प लें। केवल गांव नहीं, बैतूल का भी गौरव दिवस बनेगा, बैतूल वाले मिलकर तय करें कब बैतूल का गौरव दिवस बनना है और उस दिन तय करें कि बैतूल को कहां आगे ले जाना है, हर एक शहर को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे इस अभियान में आपका साथ दीजिए, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि अपना मध्य प्रदेश अब पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ाने में हम जो योगदान कर सकते हैं वो पूरी ताकत के साथ करेंगे। तो मैं आज दावा करता हूं बैतूल के इस मंच से, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बना के मैं आपको बताऊंगा, सबसे अच्छा राज्य बना के बताऊंगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी डिजिटल रूप से हिस्सेदारी की। शिवराज सिंह जी की हमेशा से यह नियत रही है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, लेकिन मैं समझता हूं यह पहला अवसर है जब 49 लाख से अधिक किसानों को 7,618 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा किया जा रहा है, यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और उनकी टीम और प्रदेश भर के
लाखों लाख किसानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में राज्य की कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को सुविधाएं प्रतीकात्मक रूप में प्रदान की गई।